हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें हमारा चैप्टर है भूगोल, परिवहन, संचार एवं व्यापार, और ये क्लास नंबर 12 है। इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देर के हुए अपने वीडियो पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है? देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कोसी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान तक विकसित है? ऑप्शन है कोलकाता, हुबली, धुबरी, हल्दिया। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धुबरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी। तो हमारा सही आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, पारादीप पतन किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1853 में, 1981 में, 1953 में, 1973 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। अगला प्रश्न है, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो हमारा सही आंसर है बी, मुंबई को। अगला प्रश्न है, भारत का कितने देशों के साथ है द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? 103, 200, 180, 150। तो सही आंसर है ए, 103। अगला प्रश्न है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? 75, 111.6, 7516.6, 6157.6, या फिर 6616.6। तो हमारा सही आंसर है बी, 7516.6। अगला प्रश्न है, देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? 9, 5, 187, 12। तो हमारा सही आंसर है डी, 12। अगला प्रश्न है, कांडला पतन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। सही आंसर है सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, नवावशेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सही आंसर है ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मार्मगाओ पतन का विकास किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है सी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर है मार्ग से होता है? तो सही आंसर है 59%, 68%, 52%, 95%। सही आंसर है डी, 95%। अगला प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीश्वर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? ऑप्शन है जल, पेट्रोल, गैस, तरल खनिज। तो हमारा सही आंसर है सी, गैस। अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर है डी, 4। अगला प्रश्न, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 11 लाख किलोमीटर, 23 लाख किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर, 43 लाख किलोमीटर। सही आंसर है सी, 33 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश में कितनी है? 6000 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 65000 किलोमीटर, सॉरी 6500 किलोमीटर, 5600 किलोमीटर, या फिर 66590 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर है डी, 66590 किलोमीटर। अगला प्रश्न है,
स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? 3,846 किलोमीटर, 5,846 किलोमीटर, 6,586 किलोमीटर या फिर 4,568 किलोमीटर। सही आंसर भी 5,846 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 33,465 किलोमीटर, 43,465 किलोमीटर, 36,354 किलोमीटर, 63,327 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर डी 63,327 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेल गाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? 23 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। तो सही आंसर है बी 34 किलोमीटर। आज का प्रश्न इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।